हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी बजे हुए सुबह के 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ और ये सो रहे हैं अभी तक। तो चलो मैं गर्म पानी वगैरह पीती हूँ, उसके बाद मैं उठाती हूँ। या पहले उठोगे? क्योंकि मैंने फैन बंद कर दिया तो इसकी वजह से आँख खुल रही है। गर्म पानी पहले उठते ही हम गर्म पानी पीते हैं, तो वो गर्म पानी करके लाते हो, उसके बाद में खड़े होते। आज थोड़ा सा जल्दी उठ गए, अलार्म भी नहीं बजी है, थोड़ा जल्दी मेरी आँख खुल गई। कोई नहीं, कभी कभार जल्दी भी उठना चाहिए। तो सुबह सुबह 2.5 से 3 गिलास पानी पीना चाहिए, और उससे ज़्यादा पीते हो तो और भी अच्छा है। और हमारा तो रूटीन है, 2.5 से 3 तो पीना ही चाहिए, चाहे आपको प्यास हो या नहीं हो, आपको पीने चाहिए। और हम थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं, और मुझे हैबिट है, स्टार्टिंग से पहले से हैबिट है। और अब तो वैसे भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तो इनको भी मेरे साथ साथ हैबिट हो गई। ये कर पहले गुनगुना पानी नहीं पीते थे, नॉर्मल पानी पीते, है ना? अब आदत लगा ली मेरे गर्म पानी को। हाँ, तो सही होता पूरा, मतलब बहुत अच्छा होता है गुनगुना पानी, तो बहुत ही अच्छा होता है। अभी मैं पहले तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पीती थी, अभी मैंने गुनगुना ही पीती हूँ, क्योंकि तो ज़्यादा गर्म आई थिंक बच्चे के लिए अच्छा नहीं हो, तो इसलिए मैंने अभी पानी पानी लेता ही नहीं। नहीं अभी तो फिर एक बार और सोना पड़ेगा। इनको पानी देती हूँ, फिर ये सोते हैं पानी पी के, फिर दोबारा चाय लाती हूँ, तब तक आधा घंटा लग जाता, आधा घंटा तक ये सोते हैं आराम से। तो आज आपको ये बोला जाए कि आज आपका एक वीडियो है यूट्यूब का जो 1 मिलियन क्रॉस कर गया, तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं तो आपको पार्टी दूंगा। अच्छा, तो आपका 1 मिलियन हो गया है, तो बताओ। रियल में पार्टी, तो रियल में हो गया, पार्टी दो अब। नहीं, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, ये बताओ। हाँ तो ट्रस्ट है तो बताओ, ट्रस्ट है तो बताओ। मेरे को उठाने के लिए कर रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, उठा तो मैंने पानी पिला उठा दिया। कौन सा हुआ 1 मिलियन बताओ, मेरे को बता। अभी का हुआ है मतलब। झूठ बोलने की बात होती है, मत झूठ जल्दी हो जाएगा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी यार, और झूठ बोलती हूँ क्या आपसे कभी? है 1 मिलियन हो जाता तो अभी तक तो आप ये अच्छा, तो मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली ठीक है, बस अच्छा है, मैं आपके रिएक्शन देखना चाहती हूँ। कंफ्यूज हो गए, बाप रे, मतलब मेरी बातों पे ट्रस्ट हो गया। तो सुबह सुबह मैंने अप्रैल फूल बना दिया पहले। पहले इंसान को अप्रैल फूल बना दिया है और स्टार्ट हो गया। दिन स्टार्ट हो गया है क्योंकि आज है 1 अप्रैल। अप्रैल फूल बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा फोन तो मैं यहाँ रख के सोई थी, आपका फूट गया तो कोई बात नहीं, फूट जाने दो। मेरे फोन की टेंशन है क्योंकि इससे हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा टेंशन है इसकी। तो कंटिन्यू मिलते हैं। आप बने ही हो। मतलब मेरे पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। तो चाय लेके आओ फटाफट, तब तक आधा घंटा और सो जाता है। चाय बनाती हूँ मैं। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 8:30 और मैं पोचा वोचा लगा के फ्री हो चुकी हूँ, और ये नहा धो के फ्री हो चुके हैं। नहीं, मैं तो उठते ही सबसे पहला मेरा काम रहता है नहाने का, और उसके बाद काम पे जाने के,
और आज मुझे दो बार अप्रैल फूल बनाया इन्होंने। हाँ दो बार मैंने एक बार बनाया, इन्होंने दो बार बनाया। और आज अप्रैल भी है, फर्स्ट अप्रैल भी है और आज के दिन हिंदू नव वर्ष है, तो सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और ये ब्लॉग तो जाएगा एक दिन बाद में, तो आपको एडवांस में नहीं, लेट लेट एक लेट दिन जाएगा की बताई। हाँ बता, एक दिन लेट, लेट आएगा आप लोगों के पास, क्योंकि तो आज हम रिकॉर्ड करते हैं उसको नेक्स्ट डे डालते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ नाना जी को लेके दवाई दिन लाने के लिए, और किसी के साथ ब्लॉग को कंटिन्यू रखेगी खुशी। और मैंने है ना उसमें पानी रात को तो डाल दिया था, अभी मैं डाल के आ जाता हूँ, फिर दोपहर में जो पक्षी होगा ना उसमें पानी डालना है, डालेंगे ठीक है। में, ओके। मैं तो अभी बजे हुए हैं दोपहर के डेढ़, और मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ। देखो कपड़े भी धो के मैंने रख दिए हैं, और मेरे को खाना पकड़ा दिया, बोल दो हाँ इनको खाना पकड़ा दिया, बहुत सारे काम कर लिए यार मैंने हाँ, और फिर भी मेरे को कोई मतलब होता ना शाबाशी वो नहीं मिल रही। शाबाशी इधर दो, ये ऊंट का मींगना मेरे को दो दिनों से तो ये कल से इसको बोलते हैं ऊंट का मींगना, दो दिनों से खा रहा हूं। और क्या, तो ये रियल ऊंट का लास्ट ही बची हुई है, लास्ट बची हुई है, कल चले जाके इसको बनाते हैं, वो खा गए। गाइस कमेंट करना किस किस ने खाई है ऊंट की मींगनी। ऊंट की मींगनी इमली, इमली मेरे को तो ऊंट की मींगनी है, इमली में कोई नहीं। अभी अभी मेरे को पापड़ देते हुए जोर आ रहा था, तो पापड़ खा तो लिया आपने, ऐसे तो सेका था उसको छोटे से, वो दो तीन सेकते। मैं क्यों दूं, तो देना तो पड़ेगा। अरे दूं तो मैं पेट दर्द करेगा मेरे को, बताओ। तो आज का काम दिन मेरे लिए काम ही काम 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 रहा है। तू कब जाएगा? मैं उधर से दूसरा लिखूं। मुंह से छिन के खा हो गई क्या? तो बड़े है तो उसके अंदर और बड़े हैं। और नहीं है ये लास्ट का पक्का पूरे खा गए हम ये वाले तो पूरे खा लिए बस वो दस मिनट थे पॉलिथीन वाले बचे हुए वही शुरू करूंगी बाद से अब वही खाऊंगी तो उठ के मिलने ये तो खत्म हो गए अब छोटे वाले मिलने हो गए तो मेरे पास भी है घर को निकला है ना तो मैं भी स्पेशल चीज ले गया गोल सी छोटी सी देख सकते हो आप, छोटी सी गोल सी मिलेगी और ऐसे खाई जाती है दूसरी है मेरे को पता है दूसरी दे दो झूठ मत बोलो वो कहते हैं ना मिनकी के बाग को छिको फूटे मिनकी के बाग का छिका मैं बदला ले लेती हूँ तो पता है ना मिनकी के बाग का छिका फूट गया मैं बदला ले लेती हूँ ये तो कोई है नॉर्मल है तो मैंने सोचा था उसकी इमली के तो चार और मैं रोज सोती हूँ लेकिन आज पता नहीं क्यों नींद आई नहीं मतलब एक डेढ़ घंटा के लिए सो लेती हूँ मैं रोज आज नहीं हुआ मैंने सोने को फर्स्ट तो ये थोड़ा सा लेट आए थे फिर लेट गए तो उस वजह से शायद नहीं सो पाई फिर फ़ोन देखने लगी तो शायद इस वजह से भी नहीं सो पाई और ये पानी मैं इसके अंदर
जो एक शरबत जो गुलाब का बना हुआ आई थिंक वो जो आता है वो इसके अंदर मिक्स करती हूँ पानी के अंदर, और 1 से 1.5 लीटर इसमें आता है तो मैं 2 पीती हूँ दिन में, पूरा दिन में, क्योंकि परसों मुझे पानी की वजह से ही थोड़ा सा उल्टी और वो फील हुआ था और तबीयत ख़राब हुई थी, तो अभी मैंने कंटिन्यू बना लिया कि मेरे को दिन में ये 2 बोतल खाली करनी है, मतलब 2 से 3 लीटर पानी पीना है तो पीना है, तो अभी मेरा सही है, अच्छा है, खाना भी अच्छा लगता है। तो वैसे गर्मी आ गई है, नॉर्मल इंसान को भी 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, और प्रेगनेंसी में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अपन सबसे बड़ी गलती करते हैं पानी नहीं पीते, तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने मेरा रूटीन बना लिया। संदीप तो भाई बहुत मेहनती है, और अभी टाइम हुआ है 6:00 PM और संदीप लगा हुआ है गाड़ी को सर्विस करने में ना। संदीप मतलब गाड़ी का तो ये बहुत ही ध्यान रखता है संदीप, पूरी चमाचम। अरे कटिंग कब कराई संदीप तूने? और गांव का आप मौसम देख सकते हो, मतलब बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही प्यारा, और आज कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। आज वैसे मौसा थी लेकिन फिर भी मेरे को कोई काम से बाहर जाना पड़ा, और इसी कारणवश ज़्यादा शूट कुछ नहीं कर पाए, और इसी के साथ ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा मेरे से चैलेंज कर रहे हो? यस। दोनों हाथ लगा के तो उसको खूने को नीचे टेको। ठीक है, अब हरा दोगे मेरे को? करो करो, इधर करते हैं, इधर चलो, मैं इधर अच्छा, इधर गिरा, मैं इधर गिरा। अच्छा हाँ, मैं मेरी तरफ ही कर रही हूँ। करो ठीक है, करो करो, तो लो मैंने ढीला छोड़ रखा। अच्छा लो लो, आ जाओ। अच्छा सर भी लगा लिया, और अरे अभी मैं थोड़ी सी वो, हाँ लो करो। यो 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 यो, मैंने जिताया है। ओके okay? रहने दो, रहने दो, पता है मेरे ऊपर वो क्या बोलते हो, मैंने जानबूझ के जीता है। मुझे सहानुभूति मत दो। नहीं नहीं, रियल में जानबूझ के जीता है। जानबूझ के तो मैं भी थोड़ी सी, मेरी ऐसी हालत है, वरना मैं भी थोड़े ना आपकी सहारा लेती। खाना बन गया? खाली है क्या? मेरे को तो ऐसे आती है यार, ऐसे ऐसे आलस आता रहता है। खाना ही पड़ेगा ना, फाइनली खाना रेडी हो चुका है, तो किसी मेरे को बुलाने के लिए आई है, और खाना तो खाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? कैसा टाइट हो रहा है। तो गाइस अभी खाना वाना खा के, दूध पी के सोने की हो गई है तैयारी, और आज हमारे शादी को हो गए हैं पूरे 4 महीने। तो पता ही नहीं चला, मतलब फटाफट 4 महीने इतने जल्दी निकले, मतलब हंसते खेलते बिल्कुल भी, मतलब सरप्राइज। तो बहुत अच्छे रहे 4 महीने, और ऐसे ही 4 साल निकले, पूरी जिंदगी निकले एक बंदर के साथ। अरे बंदर ही मत हो। मतलब ऐसे ही लड़ाई करते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, और इसी के साथ यही जिंदगी का नाम है। तो मिलते हैं, आज आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दे पाए, क्योंकि आज कुछ इंटरेस्टिंग था ही नहीं, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल चीजें थी। इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, इतना टाइम निकाल लिया ब्लॉगिंग करने के लिए, इतना मतलब मेहनत करते हैं, मतलब जो चाहिए वो नहीं दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और आप लोग प्लीज ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट किया करो गाइज, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, प्लीज। तो मिलते हैं।
एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम।